Hello everyone. Today we are going to discuss the first chapter of Standard 9th, The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. He was reputed for writing some books on science fiction. तो पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं इस ऑथर के बारे में, आइजैक एसिमोव के बारे में, जिन्होंने ये स्टोरी द फन दे हैड लिखी है। तो आइजैक एसिमोव एक अमेरिकन राइटर थे और साथ ही साथ वो प्रोफेसर भी थे, और वो प्रोफेसर थे बायोकेमिस्ट्री के, क्योंकि उनका मेन स्ट्रीम जो था दैट वॉज साइंस। इसलिए जितनी भी स्टोरी उन्होंने लिखी है वो उनकी साइंस फिक्शन है, मतलब टोटली साइंस पे ही बेस्ड है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट? द फन दे हैड इज अ यंग गर्ल मार्गीज डायरी एंट्री। दिस स्टोरी इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ डायरी एंट्री ऑफ अ यंग गर्ल मार्गी। सो हियर वी लर्न अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन prevalent in 22nd century when the traditional system of education has been replaced with the new one. There are no school buildings, no human teachers. The mechanical teacher television screen acts as a teacher. It can be quickened and slowed down according to the needs of the individual. The system has its own advantages, but it devoid of all fun. Students cannot go to school together. They cannot study and play together. There is no laughing and shouting. No doubt, Margie, thinking of old schools, feels sad studying before the TV screen is quite lonesome and boring. The author seems to say that no system is perfect. तो इस स्टोरी में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? ये इस स्टोरी में मेनली हम लोग स्टडी करेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक एजुकेशन सिस्टम जो आज प्रिवेल कर रहा है, जो आज की सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है, और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो कि फ्यूचर में प्रिवेल करेगा। तो जो आज के जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हमारे पास में मैन टीचर है, हमारे पास में एक सेपरेट बिल्डिंग है जिसे हम लोग स्कूल कहते हैं, और उस स्कूल में बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आते हैं। तो आपको चांस मिलता है, आप एक को एक ऐसा मौका मिलता है जहां पे आप सबके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन विद देम। बट ओवर हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्कूल, इंडियट इट इज नॉट अ स्कूल। There is a classroom in your home itself. यहाँ पे जो आपका जो classroom जो है वो आपके घर में ही है। And who is your teacher? That your teacher is a mechanical teacher. मतलब अब एक mechanical teacher है, and your books, it is your television screen. It is not at all exciting. It doesn't sound really very exciting. जब हम ऐसा क्या सोचते भी हैं कि यार who is teaching me? A mechanical teacher. That is how exactly he is going to teach us. He will just keep repeating the same thing in the same tone. Suppose, आजकल अगर हमें अगर suppose करते हैं कि अगर हमारे teacher जो है वो एक mechanical teacher है, और एक teacher जो कि हमारे man teacher है, तो man teacher के पास में ये skill होता है कि अगर कोई बच्चा किसी particular topic को नहीं समझ पा रहा है तो वो उनको अलग अलग तरीके से उसको समझा सकते हैं। उनके पास में देर लाइक बहुत सारे एक्सप्रेशन होंगे बाय विच ही कैन मेक यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक रियली वेरी इजली। बट इन द केस ऑफ अ मैकेनिकल टीचर देर इज नो एक्सप्रेशन एट ऑल। उनके पास तो ना ही कोई एक्सप्रेशन होता है, ना ही कोई सेंटिमेंट होता है। ही विल जस्ट कीप रीडिंग। ऐसा लगेगा जैसे समवन इज रीडिंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। दैट मीन्स अगर मैं नहीं भी समझ पा रहा हूं देन आई कैन नॉट रेज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। हाँ, बट देर इज अ बेनिफिट ऑफ मैकेनिकल टीचर टू। व्हाट इज दैट? दैट इज कि वहां पे जो आप सीख सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से। अगर इफ यू आर अ गुड लर्नर तो आप बहुत ही तेजी से चीजों को सीख सकते हो, एंड इफ यू आर नॉट देन यू कैन स्लो इट डाउन एज पर योर लेवल।
But in the case of Margi, what's he believe? It avoids all the fun. And it was lonesome and boring when you are being taught by a mechanical teacher. तो मार्की क्या सोचती है कि ये तो बहुत ही बोरिंग है, इसने सारे फन को ही खत्म कर दिया जब आप किससे पढ़ रहे होते हो, एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे होते हो. क्योंकि आप जस्ट अज्यूम इट, जस्ट इसके बारे में आप सोचो कि जब आपके टीचर जो है वो एक मैन टीचर है, एक मैन टीचर है, बहुत सारे बच्चे हैं जहां पे कि आप बहुत सारे आप लोग मतलब शॉट करते हो, प्ले करते हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग प्लेंटी ऑफ चांस टू हैव ग्रेट फन. यही फन जो होता है ये आपको कहाँ नहीं मिलेगा, व्हेन एवर यू आर बीइंग टॉट बाय अ मैकेनिकल टीचर. सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस वॉज द समरी ऑफ द स्टोरी. नाउ वेलकम टू द स्टोरी. थैंक यू वेरी मच. विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट इन आवर सेकेंड वीडियो.